जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी दोस्तों का। जय हिंद सभी को, राम राम जी। सभी को लाइव लेकर आ जाइए दोस्तों। आज का सेशन दोस्तों आप सभी के लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप सभी ने दोस्तों आज सभी को दोस्तों आज मैं वो कराऊंगा, क्योंकि दोस्तों आपकी एग्जाम में दोस्तों जीके का क्वेश्चन आप गलत नहीं होगा दोस्तों। ये आपकी मैराथन क्लास है, इसमें दोस्तों हमने 300 क्वेश्चन लिए हैं। आपकी जो राम सिंह वाली एस के गाइड है ना, उसमें से 800 क्वेश्चनों में से जो हमें मोस्ट लगा है हमारे अनुभव के अकॉर्डिंग, वो दोस्तों 300% लिए हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस सेशन को दोस्तों आप अपने फ़ोन के दोस्तों वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, कान के अंदर लगा लीजिए ईयरफोन को और आराम से सुनते जाइए, और हमें बताना कि इन 300 में से आपको कितने आते हैं और कितने नहीं आते, ईमानदारी के साथ बैठ जाइए। चलो दोस्तों सेशन शुरू करते हैं और फटाफट चलेगी दोस्तों, ये हमारी बुलेट ट्रेन की तरह चलेगा दोस्तों, इसमें ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। और जिसने अभी तक हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ग्रुप ज्वाइन करिए। आपको सिर्फ 2 घंटे का मैटर दोस्तों मैं आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। उस 2 घंटे के मैटर से दोस्तों आपके जीके और जीएस जो जीडी और टीडीएन वाले हैं ना, उनके 30 में से 27-28 क्वेश्चन वहां से फंस जाएंगे, डेफिनेटली विश्वास करना। आप इन 40-50 रुपयों को मत देखो मेरे भाई, आप जल्दी से कॉल कीजिए और जल्दी से वो पीडीएफ आप लीजिए। आपका सपना, आपके घर वालों का सपना आपको भारतीय सेना में भेजने का इस बार पूरा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज का सेशन शुरू करते हैं। जो अभी जुड़े उन सभी को जय हिंद, लाइक कर देना, आपका सपना पूरा हो जाएगा। और जो मेरे को दिन भर में सुनते हैं या जिनका 19 जनवरी को एग्जाम नहीं है, वो कृपया हमें फोन करके जरूर बताइए कि आपका एग्जाम कब है। तो दोस्तों प्रारंभ करते हैं हम दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने की गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित स्थान है दोस्तों लुम्बिनी। जो क्वेश्चन नहीं है ये नोट कर लेना, एस के राम सिंह वाली गाइड के ये क्वेश्चन है जीके के, और आपके एग्जाम में दोस्तों यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, डेफिनेटली आप मान के चलना। नेक्स्ट है दोस्तों, लोथल किस काल का ऐतिहासिक काल है दोस्तों, सिंधु घाटी का है। नेक्स्ट है दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने की, स्वामी दयानंद ने। दोस्तों बहुत ही स्पीड से हम चलेंगे, ठीक है, इसलिए अब ध्यान लगाकर सुनना इन क्वेश्चनों को, जो नहीं आए नोट कर लेना दोस्तों। बहुत ही मेहनत करके हमने आप सभी के लिए ये तैयार किया है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की घोषणा की दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग ने की। नेक्स्ट है दोस्तों, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की दोस्तों, ए ओ ह्यूम ने की। नेक्स्ट है दोस्तों, वाटर पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कौन सी फसल है, रबी की फसल है। नेक्स्ट है दोस्तों, डोरंड कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों, फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रसिद्ध शिव मंदिर केदारनाथ किस राज्य में है दोस्तों, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है दोस्तों, रंगभूमि के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट है दोस्तों, मणिपुर की राजधानी है दोस्तों, इम्फाल। नेक्स्ट है दोस्तों, सिक्किम की राजधानी क्या है दोस्तों, सिक्किम राजधानी दोस्तों गंगटोक है। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे पहले छाता किस देश ने बनवाया था दोस्तों, चीन ने बनाया। नेक्स्ट है दोस्तों, नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है दोस्तों, खड़गवासला में। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे छोटा महासागर कौन सा है, आर्कटिक। नेक्स्ट है दोस्तों, चोल साम्राज्य का अंत किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है दोस्तों, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों, 1939 से 1945 में हुआ था दोस्तों, चोल साम्राज्य का अंत किसने किया, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है, मेरे को इस पे डाउट है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, प्रारंभ हुआ दोस्तों, 1914 में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है दोस्तों, श्री हरिकोटा किस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है दोस्तों, ईरान का पूरा नाम क्या है, पारसिया। नेक्स्ट है दोस्तों, शहीद दिवस का मनाया जाता है दोस्तों, 30 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री का भाषण कहाँ से होता है दोस्तों, लाल किला से होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है दोस्तों, उड़ीसा में स्थित है हीराकुंड बांध दोस्तों, महानदी पर बनाया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी के सबसे नजदीक वायुमंडलीय लेयर का क्या नाम है दोस्तों, क्षोभमंडलीय ट्रोपोस्फीयर। नेक्स्ट है दोस्तों, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक है दोस्तों, अफगानिस्तान का शासक है। नेक्स्ट है दोस्तों, पंचमहल किस शहर में स्थित है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, कोरबा तापधर्मी प्लांट किस राज्य में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है दोस्तों, शिक्षक दिवस का मनाया जाता है 5 सितंबर को। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व शिक्षक दिवस का मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, ध्यान रखना, क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से आगे 5.5 घंटे। नेक्स्ट है दोस्तों, हडसन किस नदी के किस शहर में बहती है दोस्तों, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है दोस्तों, सुंदर डेल्टा किस राज्य में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का मूल पत्र तैयार करने की समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी होती है, हो सकती है दोस्तों ऊपरी आयु सीमा का कोई उल्लेख नहीं, न्यूनतम दोस्तों 35 वर्ष होती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, हजरत महल दरगाह कहाँ स्थित है, श्रीनगर में। नेक्स्ट है दोस्तों, देश का सर्वोच्च खेल रत्न कौन सा है दोस्तों, राजीव खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट है दोस्तों, दूधवा नेशनल पार्क स्थित है दोस्तों उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार आरंभ हुआ था दोस्तों 1901 ईस्वी में। नेक्स्ट है दोस्तों, मालगुडी डेज वे गाइड पुस्तक के लेखक कौन, आर के नारायण। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ, 1950 में। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर। नेक्स्ट है दोस्तों, रामचरित मानस के लेखक कौन है, तुलसीदास। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत चीन की सीमारेखा क्या कहलाती है, मेघमोहर। नेक्स्ट है दोस्तों, सारक की स्थापना कब हुई दोस्तों, 1985 में हुई। नेक्स्ट है दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों, बैंकॉक। नेक्स्ट है दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक कौन है, महावीर स्वामी। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। अगर दोस्तों आप इन सब को पीडीएफ चाहिए, मैं बता रहा हूँ आप सभी को बार बार दोस्तों, हमने ऐसी पीडीएफ मतलब
बनाई आप सभी के लिए। अगर आपने सर ईमानदारी से आप सभी ने अगर वो पीडीएफ पढ़ ली ना, तो आपके जीके जीएस के सर 30 में से आराम से 27-28 क्वेश्चन फंसेंगे। आप इन 40-50 रुपये को मत देखो, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी का सवाल है। 12 महीने में आपकी एक बार भर्ती आती है, जिसको वो 2-3 घंटे का मैटर चाहिए तो वो हमारे इन हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करे, आपका सपना पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, असम किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है दोस्तों, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों प्रथम भारतीय थे डॉक्टर एस सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है दोस्तों, इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्यजीत रे। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के नेता कौन थे? महात्मा गांधी। कब हुआ था? 1920 में। नेक्स्ट है दोस्तों, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किस किताब से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, हरगोविंद खुराना का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों नोबेल पुरस्कार से, ध्यान रखना, औषधि के विज्ञान में नहीं दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का स्थायी संस्थान केंद्र दक्षिण गंगोत्री का है? दोस्तों अंटार्कटिका है। नेक्स्ट है दोस्तों, एक समुद्री मील की लंबाई कितनी होती है? 1852 मीटर। नेक्स्ट है, मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला? 1979 में। नेक्स्ट है दोस्तों, शांति के लिए मिला था, ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? दोस्तों बेंगलुरु को कहा जाता है भारत की सिलिकॉन वैली, भारत की साइलेंट वैली केरल को कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत रत्न प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल स्थित अफ्रीका। नेक्स्ट है दोस्तों, अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप किसे कहा जाता है? अफ्रीका को। नेक्स्ट है दोस्तों, कुल महाद्वीप कितने इंपॉर्टेंट है? 7 महाद्वीप। नेक्स्ट है दोस्तों, किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? लूनी नदी। नेक्स्ट है दोस्तों, अमेरिका पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, आपके दिन भर में मैसेज आते हैं कि सर आप एक क्वेश्चन के बारे में बहुत चर्चा करते हो, तो आप सुनिए हमारी यहां पर ये बुलेट ट्रेन चल रही है। नेक्स्ट है दोस्तों, मिडनाइट चिल्ड्रन नामक पुस्तक किसने लिखी? सलमान रुश्दी। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य दिवस को मनाया जाता है? दोस्तों 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व के सबसे विशालतम झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। नेक्स्ट है दोस्तों, कामिनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कहां पर स्थित है? दोस्तों तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, मालिक किसकी राजधानी? मालदीव की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों 30 जनवरी 1948 को इनका जन्म है दोस्तों 1869 में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों, अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने की। नेक्स्ट है दोस्तों, श्रीनगर शहर किस नदी के किनारे बसा है? दोस्तों झेलम नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है दोस्तों, साइना नेहवाल पीवी सिंधु किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में योजना आयोग को भंग कर 1 जनवरी 2015 से किस नए आयोग की स्थापना की गई? दोस्तों नीति आयोग की स्थापना की गई। नेक्स्ट है दोस्तों, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? मेगास्थनीस। नेक्स्ट है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। नेक्स्ट है, मद्रास का युद्ध कब हुआ था? 1746 में। नेक्स्ट है, सत्यव्रता के उन्मूलन में अभूतपूर्व योगदान किसने निभाया था? राजा राममोहन राय ने। नेक्स्ट है दोस्तों, नागर होल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान रखना। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है दोस्तों, इराक की मुद्रा क्या है? दिनार। नेक्स्ट है दोस्तों, बाल दिवस का मनाया जाता है 14 नवंबर को। नेक्स्ट है, कांडला बंदर का किस राज्य में स्थित है? गुजरात। नेक्स्ट है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत का पहला मुस्लिम राष्ट्रपति था डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट है दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई। नेक्स्ट है दोस्तों, मेजर ध्यानचंद किससे संबंधित है? हॉकी। नेक्स्ट है दोस्तों, गोवा पुर्तगाल शासक से कब आजाद हुआ? 19 दिसंबर 1961। नेक्स्ट है दोस्तों, अजंता की गुफाएं कहां स्थित है? महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए? राकेश शर्मा। नेक्स्ट है दोस्तों, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? दोस्तों काली मिट्टी। नेक्स्ट है दोस्तों, पहला परमाणु बम 1945 में किस शहर पर गिराया गया था? हिरोशिमा पर गिराया गया था। दूसरा बम है दोस्तों, नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। नेक्स्ट है दोस्तों, भाभा परमाणु रिसर्च संस्थान कहां स्थित है? दोस्तों ट्रॉम्बे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत द्वारा छोड़ा गया सबसे पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट है दोस्तों, संतोष ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल। दोस्तों आप सभी को हमारी ये बुलेट ट्रेन कैसी लग रही है? दोस्तों जो पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है जल्दी बताइए। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 552। राज्यसभा में 250। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के झंडे में कितनी तितलियाँ होती है? 24। नेक्स्ट है दोस्तों, सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। विश्व सेना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमाऊ बंडार नाइके श्रीलंका की। नेक्स्ट है दोस्तों, नाइटिंगल ऑफ इंडिया के लेखक नाइटिंगल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है दोस्तों, चेन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर। नेक्स्ट है दोस्तों, आल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? दोस्तों यूरोप में। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है?
है जेनेवा में, नेक्स्ट है दोस्तों संसार में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है दोस्तों मुंबई हाई किससे संबंधित है, पेट्रोलियम से। नेक्स्ट है दोस्तों भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है, अभ्रक का। नेक्स्ट है दोस्तों पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा का नाम बताइए, भूमध्य रेखा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है दोस्तों नर्मदा नदी उद्गम, नर्मदा नदी अपने उद्गम स्रोत अमरकंटक से निकलती है जो कि किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है दोस्तों अजमद अली खां का संबंधित है दोस्तों सरोद से। नेक्स्ट है दोस्तों भरत नाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, दोस्तों तमिलनाडु का। नेक्स्ट है दोस्तों सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में। नेक्स्ट है दोस्तों भारत में रेल सर्वप्रथम कब चली, 1853 में। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे राष्ट्रगान के गायन का समय कितना है, 52 सेकंड। नेक्स्ट है दोस्तों संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। नेक्स्ट है दोस्तों पेरिस किस नदी के किनारे बसा है, दोस्तों सीन नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय वनस्पतिक बाग कौन से शहर में स्थित है, लखनऊ में। नेक्स्ट है दोस्तों अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है विशेष खिलाड़ियों को। नेक्स्ट है दोस्तों श्रीलंका का पूरा नाम क्या है, सिलोन। नेक्स्ट है दोस्तों मेघदूत के लेखक कौन है, कालिदास। नेक्स्ट है दोस्तों महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920। नेक्स्ट है दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से जुड़ी है, नर्मदा से। नेक्स्ट है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। नेक्स्ट है भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू। नेक्स्ट है रिहंद बांध कौन से राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने होता है, 6 वर्ष का। नेक्स्ट है दोस्तों सिकंदर महान भारत पर कब आक्रमण किया, 326 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना होता है, 3:2। नेक्स्ट है दोस्तों जीव मिल्खा सिंह का संबंध किससे है, गोल्फ से। नेक्स्ट है दोस्तों अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट है दोस्तों पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया, विष्णु शर्मा ने। अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी कीजिए, आप सभी के लिए 2-3 घंटे का मटेरियल मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूं बार बार दोस्तों, आप मतलब 40-50 रुपये को मत देखो जल्दी से, जिसको मतलब 2-3 घंटे का मटेरियल चाहिए और अपना जीके और जीएस मजबूत करना चाहता है तो हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करे, ठीक है। कॉल वही करेगा जिसको मटेरियल चाहिए, ठीक है, क्योंकि दिन भर में बहुत फोन आते हैं आप सभी के, हालांकि मैंने सभी के फ़ोन में अटेंड करता हूं, सबको बताता हूं पेपर कैसे करके आना है, आप भी कीजिए, लेकिन आपका सपना पूरा होगा, आपके घर वालों का सपना होगा, आप इसी जोश और जुनून के साथ आपको पेपर करके आना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, 1942 में। नेक्स्ट है दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, दोस्तों आप सभी को हमारी हैंड राइटिंग तो पसंद आ रही है ना, ठीक है, हमने अपने हाथ से लिखे हैं भाई, ठीक है, ये टाइप नहीं करवाई हमने। नेक्स्ट है दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट है दोस्तों किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, मंगल। नेक्स्ट है दोस्तों केला का उत्पादन किस देश में अधिक होता है, दोस्तों भारत में। नेक्स्ट है दोस्तों सवेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को। नेक्स्ट है दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। नेक्स्ट है दोस्तों ब्राजील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यातक करता है, दोस्तों कॉफी का। नेक्स्ट है दोस्तों मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है, नॉर्वे को। नेक्स्ट है संसार की छत किसे कहा जाता है, पामीर का पठार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, उत्तराखंड। नेक्स्ट है दोस्तों वाराणसी किस नदी पर स्थित है, दोस्तों गंगा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा, त्रिपुरा। नेक्स्ट है दोस्तों कथकली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध, केरल। नेक्स्ट है दोस्तों सबसे अधिक साक्षरता वाला प्रांत केरल। नेक्स्ट है दोस्तों भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, गाडविन आस्टिन K2, ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों भारत के दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, इसको आप थोड़ा देख लेना भाई, इसको थोड़ा नेट कर देना, कहाँ पर ये K2 दे रखा है, कहाँ पर कंचनजंगा दे रखा है, ठीक है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना भाई, इसको आप नेट पे देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों बांग्लादेश कब आजाद हुआ, 1971 में। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली चीनी भाषा कौन सी है, दोस्तों चीनी है विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा। नेक्स्ट है दोस्तों निशाने पाकिस्तान की उपाधि किसे भारतीय को मिली, तो दोस्तों मोरारजी देसाई को मिली। नेक्स्ट है दोस्तों दास कैपिटल के लेखक कौन है, कार्ल मार्क्स के। नेक्स्ट है दोस्तों विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित रखता है, शतरंज से। नेक्स्ट है दोस्तों मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है दोस्तों आर के लक्ष्मण किस संबंधित है, कार्टूनिस्ट, अजमेर भर्ती 2017-18 में यह क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट है दोस्तों चंडीगढ़ शहर का डिजाइनर कौन था, लिली कार्विजर, जो कि फ्रांस के। नेक्स्ट है दोस्तों भाखड़ा बांध का डिजाइनर कौन है, सोलोकम, अमेरिका का है। दोस्तों किस कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च किया था, दोस्तों नमक कानून को तोड़। नेक्स्ट है दोस्तों गुरुदेव की उपाधि किसके साथ संबंधित है, दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के साथ संबंधित है। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, सियाचिन है। नेक्स्ट है दोस्तों मौलिक अधिकार संविधान की किस भाग में निर्मित, भाग 3 में है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है दोस्तों सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देश कितने होते हैं, 5। नेक्स्ट है दोस्तों किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, पृथ्वी को। दोस्तों नेक्स्ट है पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, प्रशांत और अटलांटिक महासागर को। नेक्स्ट है दोस्तों ईरान की राजधानी है तेहरान। नेक्स्ट है दोस्तों रॉकी पर्वत श्रृंखला कहां पर स्थित है, उत्तरी अमेरिका। नेक्स्ट है संसार किस किस्म सरसों किस किस्म की
फसल है दोस्तों, रबी की फसल है। नेक्स्ट है दोस्तों, रणजीत सागर बांध कौन सी नदी पर बना है? रावी पर। नेक्स्ट है दोस्तों, कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 12। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? असम का। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में दशमलव प्रणाली कब शुरू हुई? 1957। नेक्स्ट है दोस्तों, शक्ति स्थल किस नेता की समाधि स्थल का नाम है? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट है दोस्तों, ईडन गार्डन कहाँ पर स्थित है? कोलकाता। नेक्स्ट है दोस्तों, सूर्य देखा देश किसे कहा जाता है? जापान को। नेक्स्ट है दोस्तों, गार्डन सिटी किसे कहा जाता है? शिकागो को। नेक्स्ट है दोस्तों, डॉक्टर सीवी रमन को भौतिकी के क्षेत्र में कब नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 1930 में। नेक्स्ट है दोस्तों, शिफ्यू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है दोस्तों, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली डाक टिकट कब शुरू हुई? 1 अक्टूबर 1854 को। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व की में पहली डाक टिकट कब हुए कहाँ पर शुरू हुई? दोस्तों 1 मई 1840 को हुई थी, ध्यान रखना, इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, कस्तूरबा गांधी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? आगा का महल पुणे में हुई थी, ध्यान रखना, 1944 में। नेक्स्ट है दोस्तों, पलासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757 में। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट है दोस्तों, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में। नेक्स्ट है दोस्तों, तैमूर ने दिल्ली पर अधिकार कब किया था? 18 दिसंबर 1398 ईस्वी। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट है दोस्तों, देश बंधु किसे कहा जाता है? सी आर दास को। दीन बंधु ध्यान रखना, सी एफ एंड्रूस को कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, म्यांमार का पूरा नाम क्या है? बर्मा। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? दोस्तों 12 है, और मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। वर्तमान अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुरतकाल के। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बने लगे न्यूनतम आयु कितनी? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। नेक्स्ट है दोस्तों, डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय, WHO का पूरा नाम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह? मंगल और शुक्र। नेक्स्ट है, सुनामी नाम किससे से संबंधित है? समुद्र भूकंप से। नेक्स्ट है, कोलंबो किसकी राजधानी? श्रीलंका की। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी कौन सी नदी है? तो दोस्तों नील है। नेक्स्ट है, कान्हा पर्वत किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है दोस्तों, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तमिलनाडु का। नेक्स्ट है, भारत ने 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण में किया, किस दिन किया? 11 व 13 मई को। नेक्स्ट है दोस्तों, जयपुर व दिल्ली के जंतर मंत्र किसने बनवाए? महाराजा जय सिंह। नेक्स्ट है दोस्तों, डार्क कॉन्टिनेंट किस महाद्वीप को कहा जाता है? अफ्रीका को। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है भारत। नेक्स्ट है दोस्तों, डॉक्टर एन आर राजन किस वाद्य यंत्र से है? वायलिन से। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे पुराना वेद कौन सा है? दोस्तों ऋग्वेद। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। नेक्स्ट है दोस्तों, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य वेली नीति का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट है दोस्तों, भूदान आंदोलन की शुरुआत कब हुई? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है दोस्तों, महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है दोस्तों, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई सोलवा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत व चीन के मध्य पंचशील समझौता कब हुआ? 1954 में। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय पहला महासचिव कौन था? दोस्तों ट्रिबेली, जो कि नॉर्वे का था। नेक्स्ट है दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है आकाश गंगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, भूमि की कितने प्रतिशत जगह पर पानी से ढकी है? 71-71%। नेक्स्ट है, जापान की मुद्रा ये। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक। नेक्स्ट है, किस देश में सबसे अधिक पारा का उत्पादन होता है? इटली। नेक्स्ट है दोस्तों, ईसा मसीहा का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ? बेथल एम इसराइल। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है? डिगबोई। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है बेंगलुरु। नेक्स्ट है दोस्तों, नाग क्या है? एक टैंक भेदी मिसाइल। नेक्स्ट है दोस्तों, सलाल परियोजना किस नदी पर बनी है? दोस्तों चिनाब। नेक्स्ट है दोस्तों, नीली क्रांति संबंधित मछली उत्पादन से। नेक्स्ट है, हे राम किस नेता की उपाधि पर लिखा गया? महात्मा गांधी पर। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वराज मेरा जन्म अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊंगा, ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट है दोस्तों, गुप्त वंश की स्थापना किसने की? श्री गुप्त। नेक्स्ट है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर ने। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है दोस्तों, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला। नेक्स्ट है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने होते हैं? 6 अंग होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह? 2 है। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निधि का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC। नेक्स्ट है दोस्तों, साउथ अफ्रीका की मुद्रा का क्या नाम है? रैंड। नेक्स्ट है दोस्तों, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे बसा है? यमुना। नेक्स्ट है दोस्तों, हवाई द्वीप निम्न में से किस देश का भाग है? अमेरिका। नेक्स्ट है दोस्तों, संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, सरिस्का अभयारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान। नेक्स्ट है दोस्तों, गगनचुम्बी इमारतों का नगर किसे कहा जाता है? न्यूयॉर्क को। नेक्स्ट है दोस्तों, विश्व में ऊन किस देश में सर्वाधिक होती है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है दोस्तों, पाक में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 14 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। नेक्स्ट है, सफेद कबूतर किसका प्रतीक है? शांति का। नेक्स्ट है दोस्तों, 1 बाइट बराबर होता है 8 बीट। नेक्स्ट है, अमीर खुसरो किसके समकालीन था? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है दोस्तों, लज्जा नामक किताब की लेखिका कौन है? तस्लीमा नसरी। नेक्स्ट है दोस्तों, सफेद आदियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। नेक्स्ट है दोस्तों, थल सेना की कितनी कमांड होती है? 7। नेक्स्ट है दोस्तों, ISI किस देश से संबंधित है? पाकिस्तान। नेक्स्ट है दोस्तों, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने
रोकने वाली परत को क्या कहा जाता है? ओजोन स्पेयर। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑस्कर पुरस्कार विश्व स्तर में किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? फिल्म के क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों, डॉटर ऑफ ईस्ट किसकी कीर्ति है? बेंजीर भुट्टो। नेक्स्ट है दोस्तों, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट है, झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष यान सबसे पहले अंतरिक्ष में गया? कोलंबियो। नेक्स्ट है दोस्तों, लंदन किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स। नेक्स्ट है, स्वर्ण पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार, बर्मा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता की देवी की मूर्ति कहां है? यूरोप में। नेक्स्ट है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा? 21 जून। नेक्स्ट है, शेर पंजाब के नाम से जाना जाता है? लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट है, बांटो व राजक्रोह की नीति किसने अपनाई? लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट है, चपाती व कमल का संबंध किस 1857 की क्रांति से? नेक्स्ट है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? 1526 में। नेक्स्ट है दोस्तों, मुगल वंश का अंतिम राजा कौन था? बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट है दोस्तों, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार हमारे देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है। स्थायी होते हैं 5, ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। नेक्स्ट है दोस्तों, शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बालव्या से। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताइए दोस्तों, एक है चंद्रमा, ध्यान रखना। नेक्स्ट है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में सोने की खान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है दोस्तों, बिहार का विषाद कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार का मरुस्थल, जबकि राजस्थान में। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, आज का सेशन आप सभी को पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में अगर जीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो दोस्तों इन्हीं में से पूछे जाएंगे, ठीक है? कल वाले सेशन में दोस्तों हम आपको मतलब पूरा सिलेबस करवा देंगे 19 जनवरी वाला, ठीक है? जीके के क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो आपके और क्वेश्चन बनते हैं ना वो लेकर आएंगे, ठीक है? वो और भी इंपॉर्टेंट लेकर आएंगे, या आपके एस के राम सिंह वाले की गाइड से, ठीक है? जिसको हमारे ग्रुप में ज्वाइन होना है, या आपको PDF चाहिए महत्वपूर्ण मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की 2016 के बाद वालों की, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, आपको PDF तुरंत मिल जाएगी, ठीक है? आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं, ठीक है? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहो, मस्त रहो।